आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव बसेरा खास पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 20 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 6 किलोमीटर है। 1800 वोट वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती खुर्शीदा संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान खुर्शीदा और सचिव नरेंद्र प्रताप के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफ़ी विकास कराया गया है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के बसेरा ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान पति के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपका 4 साल आपके पत्नी यहाँ पर प्रधान है, उनके कार्यकाल को 4 साल पूरे बीत चुके हैं। क्या क्या विकास कार्य अब तक गांव में करवाए हैं? जो भी सरकार ने हमें दिया, शौचालय वगैरह दिए, तो हमने शौचालय भी खूब काफी बनाए, जितने बढ़ती बना दिया हमने शौचालय। ODF तो हो गई होगी? हाँ, ODF हो गया हमारे गाँव। हमने खरंजे विकास भी खूब कराया, हमने स्कूल का काम तो बहुत ही बढ़िया कराया। सीसी टाइल्स वगैरह ये सब कुछ लगा कराया हमने जी। आवास तीन आए, तीनों हमने आवास बनवा दिए। स्कूल पर क्या क्या काम करवाए? स्कूल पे बच्चों के लिए मेज़ कुर्सी डलवा दी जी, उसमें टंकी वगैरह फिटिंग करके उसमें पैसे ये सब कुछ लगा दिया हमने। समर सेविंग उसमें करा दिया, मतलब जो जरूरतें वहाँ की थी वो आपको वहाँ पूरे करवा। शौचालय है स्कूल के, बहुत बढ़िया करा जी। सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये आपके गांव में सभी ये को हैं? इतने कनेक्शन कराए हैं कि हैं और पास इतने के किसी ने कराया मुझे, इतने सौभाग्य के मैंने कनेक्शन कराया। किसानों के खाते में जो सम्मान निधि का पैसा है, कितने 6,000 रुपए सभी के खाते में आ चुके हैं, कुछ मात्र रह गए हैं, कुछ रह गए हैं। उनके लिए आपकी कोशिशें जारी होंगी? ये है साहब, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए भी पैसा आना चाहिए। और हम तो ये सरकार से ये कहना और चाहते हैं, क्या हमारे पंचायत घर नहीं है, एक शमशान घाट नहीं है, जो हमारे हिंदू लोग बेचारे परेशान हैं। ये शमशान घाट भी हमारे यहाँ बनना चाहिए, एक पंचायत हमारे यहाँ बनना चाहिए। ये थोड़ा सा दिखा जी, ज्यादा दिखाऊंगी। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी केंद्र 3 है। खेल का मैदान नहीं है सर। अस्पताल नहीं है। अस्पताल आसपास कितनी दूर है? अस्पताल तो कम से कम 6 किलोमीटर बैठे। यहाँ आसपास कोई स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र कुछ भी नहीं? ग्राम समाज की जगह है गांव में? ग्राम समाज की जगह भी एक डैर है, जोर है, उस पर है। अगर अगर सरकार अगर हमें पैसा दे तो हम चाहो यूज करा देंगे, बढ़िया काम करा देंगे। बारात घर भी नहीं होगा? ना, बारात घर है। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है आपने? हाँ, ये लगवाई है मैंने, ये सब मैं उजाला योजना करा दिया। कूड़ेदान लगवाए सब। प्रधान जी, ऐसी कोई समस्या आपके गांव में यहाँ आपको लगता है सामने आती है, जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार खास तौर से आपकी मदद करे या ध्यान दे ग्राम पंचायत में, जो कि काम अभी तक नहीं हो पा रहा है? जैसे कोई विवाद होता है या कुछ भी, कोई भी ऐसी समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए आप चाहते हैं कि सरकार आपकी ग्राम पंचायत में थोड़ा ध्यान दे? साहब, हम तो ये चाहते हैं सरकार अगर हमारा अगर ध्यान दे, थोड़ा सा प्रधानों का अगर ध्यान अगर सरकार दे तो हम इतना काम कराएं, थोड़े पैसे में ज्यादा काम करके दिखा दें। इसमें क्या मतलब जो है, धनराशि अगर बढ़ती है तो हम बढ़ती काम कराएंगे उसमें। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे अभी जिन्हें आवासों की जरूरत है? अरे कम से कम आवासों की जरूरत तो 3 आवास बन पाए हैं हमारे, कम से कम 10-20 आदमी ऐसे बैठेंगे जो बेचारे कच्चे हैं, उनके आवास बनने चाहिए, जरूर होना चाहिए उनका। कच्चे रास्ते अभी भी हैं? बाकी कच्चे रास्ते अभी भी हैं। कितने मीटर सीसी से जो है गांव पूरी तरह से पक्का हो जाएगा? कम से कम ऐसा लगाओ कि अगर सीसी अगर ये कराएंगे तो कम से कम अच्छी खासी टेस्टिंग होगी जी, सब काम बढ़िया हो जाएंगे। मिट्टी डलवा दी हमने उन लोटों पर जो कच्चे हैं, मिट्टी डलवा के अभी तक हम ये सोच रहे हैं सरकार हमें पैसा दे। आपको थोड़ा जो है पैसा अगर ज्यादा मात्रा में मिले यहाँ पर, तो आप बचे हुए काम जो है यहाँ पर करवा? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने मिट्टी डलवा दी उन्हें जी, उनके पास से अपने पास से पैसे टिलाड़ी वाले को दे दिए मैंने। अभी तक वो MB अगर करा देता तो उनका पैसा तो काम नहीं होता। मैंने डलवा के मिट्टी, सरकार अगर पैसा छोड़ देगी तो इन कामों को करा दूंगा जी, मगर पैसा नहीं है साहब, जब सरकार हमें पैसा देगी तो हम काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है। काफी विकास इन 4 सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, स्कूल में भी मिशन कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, जैसे शौचालय, पानी की सुविधा वगैरह, टाइल्स वगैरह सब कुछ लगवाई गई है।
इसके अलावा यहाँ कुछ मूलभूत समस्याएं अभी भी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन या खेल का मैदान जो कि यहाँ पर निर्मित नहीं है। अस्पताल को लेकर भी यहाँ प्रधान मांग रखते हैं। यहाँ लगभग 20 परिवार अभी ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। प्रधान का मानना है और कहना है कि यहाँ पर यदि सरकार अच्छी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में धनराशि मुहैया कराती है तो बचे हुए जो भी काम है गाँव को विकसित करने में उनमें इन्हें काफी मदद मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा ये अपने गांव को विकसित कर पाएंगे। अशरफ अली के साथ मनाजरीन, टुडे 24 से। क्या नाम है आपका? लीलाधर। लीलाधर जी, ये बताइए, यहाँ 4 वर्ष हो गए हैं प्रधान जी के कार्यकाल को, इन 4 वर्ष में विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास का मतलब ये है कि सब काम बढ़िया है प्रधान जी के हमारे। किस तरह से, जैसे सड़कें वगैरह, ये सड़कें वगैरह भी सब सही करा दी हैं, जो काम वगैरह है वो भी बढ़िया करा दिए हैं। और जो है कि ये कहना चाहते हैं कि और आगे को मतलब काम आवे और आगे को हमारे प्रधान जी करावे। प्रधान जी के कार्यकाल से सहमत हो आप? बिल्कुल बढ़िया।